हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन योर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, चैप्टर वन जो चल रहा है उसी के श्रृंखला में आज आप सबके लिए मैं लेक्चर नंबर 90 लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले लेकिन बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसके पहले का जो लेक्चर हुआ उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो पहला हमारा लेक्चर था, यानी कि अभी तक करंटली टिल टू 18 लेक्चर, यहाँ तक मैंने 18 लेक्चर, तो मैंने किसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कूलम्स लॉ क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो सब भी कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल के बारे में बताया कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है, इनडायल पोजीशन पे क्या होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे क्या होता है, और किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला क्या आया था। तो ये सब बातें बच्चा मैं क्या कर दिया था, इसके पहले क्लियर कर चुका हूं। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज आपके लिए टॉपिक ये है, एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल प्लस गॉस थ्योरम। तो यहां पर मैं आपके लिए रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर अभी तक क्या किया है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फिर भी एक राहत भरी बात है, मैं इस तरीके से आपको बता भी दूंगा कि आपको लगेगा कि यार कि प्रीवियस लेक्चर का कोई मतलब नहीं था, मतलब होता है लेक्चर का, मतलब है, बट आपको कभी फील नहीं होगा कि अगर उसको मैंने स्किप कर दिया तो मुझे कोई क्रिएट होगा प्रॉब्लम, ऐसा होता नहीं है इस चैनल पर, आपको ऐसा नहीं कभी नहीं होगा। आप कभी भी चैनल को विजिट करेंगे, कभी भी कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि अभी से ही क्लास शुरू हो रहा है, क्लास अभी से ही शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेक्चर मिलेगा हमारे इस चैनल पर। तो प्लीज प्लीज क्या करिए, वीडियो को मस्ती के साथ देखिए क्योंकि फिजिक्स मस्ती का ही सब्जेक्ट है, एंजॉय के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारी आपके बीच में मस्ती होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड डिस्कस अबाउट द टॉपिक एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल एंड आल्सो गॉस थ्योरम। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं आपसे एरिया की बात कर दूं भाई, किसकी बात कर दूं मैं, एरिया की, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे कि एरिया को पता तो होता नहीं है, लेंथ की तरह, जैसे लेंथ स्केलर क्वांटिटी है वैसे एरिया भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, हमारा एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप क्या हो ना, एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, बट उसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है, कहां पे होता है, कैसे उसके आप दिशा पता चल पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ट्रेन इधर आ गया, इधर कर दिया एरिया वेक्टर इस तरफ, तो ये सब बातें आज आपको क्या हो जाएगा, क्लियर होगा 100%। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट, फिजिक्स को मस्ती के साथ पढ़िए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले जाइए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ये हम बात करते हैं एरिया, तो अगर अभी तक आप आराम से बैठे हुए तो आप क्या करिए, कॉपी को भी निकाल दीजिए, पेन को भी निकाल दीजिए, और जो भी कुछ भी डिस्टर्बेंस कर रहा होगा मोबाइल आपको, यानी कि मैसेज वगैरह वगैरह आ रहा होगा आपके मोबाइल पर, तो प्लीज उसको क्या करिए, इसको देर के लिए बंद कर दीजिए जब तक लेक्चर चलता है, ठीक है। इसके बाद मजा करिए, फिर इसके बाद आप जाइए आराम से घूमे टहलिए फिर, ओके। सो आपका टॉपिक है एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर। बच्चे यहां पे राइट हो चुका है, आपको पता चल गया कि एरिया, अलग आपसे पूछते हैं एरिया, आप बोलोगे एरिया सरफेस ऐसा बता दोगे ना, लेकिन आपसे कोई कहता है भैया बताओ एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपके मुंह से एक ही आवाज आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। आप हमेशा उसे क्या बताओगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी अब आएगा। एरिया का मैग्नीट्यूड तो होता ही है भाई, एरिया का मैग्नीट्यूड तो होता भी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई एरिया वेक्टर जो है, ये जो आप आगे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है, जो चलाया जाएगा कि जो जितने भी कंटेंट आएंगे सब में एरिया वेक्टर लगेगा, तो एरिया वेक्टर को आज सीख ही जाइए, आज आपको सिखा के ही जाएंगे एरिया वेक्टर होता क्या है। तो जो एरिया वेक्टर होता है, बेसिकली एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको बोल दे रहा हूं, एरिया वेक्टर क्या होता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात तो पता चलता है कि एरिया हमारा कैसा होता है,
बेटर क्वांटिटी होती है। अब बात होता है कि इसकी दिशा कैसे चेक करोगे, डायरेक्शन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं दिशा कैसे चेक करते हैं। सपोज दैट ये हैंड है, मैं कह रहा हूं एरिया, देखो ये हैंड है जिसके पास एरिया तो है ना, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये तो पक्का है बेटर क्वांटिटी है, बट इसकी दिशा किधर होगा, तो इस पर क्या करिए बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, लेकिन वो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करना जो आपके आंख की तरफ जाता हो। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका एरिया रोटर किधर होगा, आपकी तरफ होगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। इस एरिया का जो आपका बोर्ड बनाया मैंने, जो बोर्ड है, इस बोर्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। हैंड देखो मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। तो ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर लाइन ऑन वेक्टर क्वांटिटी, ऑन एरिया वेक्टर टुवर्ड्स द आईज। तो यहां पे मैं राइट करूंगा कि ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन टुवर्ड्स आईज, किसकी तरफ, आंख की तरफ, शोज डायरेक्शन, किसको शो करता भाई, किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। कुछ मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं, यस, ये सपोज देखिए आपके पास एक बैटरी का एग्जांपल। तो अच्छा मैं अगर बात करूं इसका दिशा किधर होगा, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, तो इस तरफ होगा। इसको मैं देख रहा हूं तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा मेरी आपकी तरफ, ये देखो ये हो गया, इस तरफ से कोई देख रहा होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ हो गया। इस एरिया वेक्टर इधर जो बना है, अगर इसको इधर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यानी कि एरिया वेक्टर जो होता है भैया, यहां पे देखो एरिया वेक्टर जो होता है हमारे एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर जाती है आपकी आंख की तरफ, अगर उसको आप देख रहे हैं और आपकी आंख की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जा रहा है, तो वही होता है आपका एरिया वेक्टर। जैसे यहां पे मैंने फिगर बनाया, ये क्या बात है, बड़ा बढ़िया गोला बन गया। ये मानो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर जो होता है उसका सिंबल होता है वेक्टर ही। हमने आपसे क्या कहा था कि इसके पास वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होगी दिशा, दिशा कैसे आता है कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रा करना पड़ता है, देख रहे हैं ना, ये क्या है दिशा बता रहा है, परपेंडिकुलर लाइन कहां जा रहा है, ऊपर। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू एक, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू एक। भाई ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्वेश्चन था क्लास 11th में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें क्वेश्चन बना के दिया था, लेंथ और एरिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो लेंथ को नहीं बोला जाता, बट एरिया जो होता है हमारा कैसा क्वांटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि एरिया हमारा कौन सा क्वांटिटी है, तो आप उसे क्या बताएंगे, हंस के क्या बताएंगे, बोलो वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई पूछता बताओ इसकी दिशा कैसे डिसाइड करोगे, भाई यही तो है, ऐसे मैंने पेन बना दिया, ऐसा बना दिया, दिशा किधर होगा इसका, इस तरफ, इसका किधर होगा, इस तरफ, इसका किधर होगा, इस तरफ, इसका किधर होगा, इस तरफ। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को बता सकते हैं ना, क्लियर बात, ओके, कोई दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है, यस। अगले मेरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, अगर आप सॉल्व किए होंगे तो मजा आएगा, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो नहीं जान पाएंगे, बट डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू एक, ये एनसीईआरटी कंटेंट था, ओके। तो मैं चाहता हूं इरेज कर दे रहा हूं, तो उसके पहले नोट कर लो, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलता हूं इरेज कर देता हूं जल्दी से, मिटा दो भाई इस दुनिया को, दुनिया को मिटाओगे तुम कहां से रहोगे, अकेले क्या करोगे रह के, है ना, दुनिया को नहीं मिटाना है ना, दुनिया को मत मिटाओ, इसलिए अगर मिटा दोगे तो कहां तुम रहोगे ना, निश्चित बात। चलिए भैया डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी,
प्यारा सा नन्ना सा सॉलिड एंगल. व्हाट इज द सॉलिड एंगल? तो सबसे पहले मैं बच्चों बात करता हूं सर्कल के बारे में और एक स्फीयर के बारे में. आपको मैं समझा दूंगा सर्कल स्फीयर को लेकर के एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगा. मैं एक बात करूं पहले सर्कल की, यहां पर मैं ले रहा हूं स्फीयर. देखो सर्कल जो हमारा है वन डी फिगर है, सॉरी टू डी मेरे भाई, टू डी फिगर. लेकिन स्फीयर किस कैसा फिगर है? तो गलती मत करना, ठीक है? सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी पक्का है, ठीक है? सर्कल कैसा है? टू डी है. स्फीयर कैसा हो गया? थ्री डी. मैं सर्कल को बना रहा हूं ड्रिंग इस तरीके से. ये भी ऐसा हो गया ना. अच्छा मैं कह रहा हूं इस पे एंगल बनाऊंगा इसके सेंटर, ये सपोज कर लो इसके भी पास क्या होगा? सेंटर ही होगा. आपके सर्कल के भी पास क्या है? सेंटर है. और आपके स्फीयर के भी पास क्या है? सेंटर है, ठीक है? तो सर्कल के भी पास सेंटर है भाई, और स्फीयर के भी पास क्या है? सेंटर है. ओके तो इसका मैंने सेंटर बनाया, इसका भी सेंटर. अब मैं कह रहा हूं कि इसको काटो, यहां पे फिगर बनाओ कुछ ऐसे इस तरीके से. आप तो देखे होंगे यार, आपको बहुत पेपर मिला होगा क्लास टेंथ में रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट बहुत क्योंकि सर्कल बना के किसी आर्क कटवाया जा रहा होगा ना, तो किए हो ये सब. तो यहां पे कुछ फिगर इस तरीके से मिलता है ना, ये. तो जो ये कटता है इसको बोलते हैं एंगल. इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एंगल. लेकिन यहां पे आओ और देखो क्या होता है. यहां पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा. आप क्या करिए, ले करके काटो बढ़िया सा और काटो. लेकिन क्या आप बताओ फील करके क्या यहां पे ऐसा बनता है? तो योर आंसर इज नो. कहोगे आप ऐसा नहीं बनता यहां पे भाई, तो कैसा बनता है? कौन जैसा, कैसा बन रहा है यहां पे स्ट्रक्चर? कौन जैसा? और यहां पे ऐसे. कौन बन गया? और ये है क्या? ये है क्या? आप यहां पे जो ये बनाया जा रहा फिगर कौन जैसा, ये कौन बना रहा है? ये सरफेस एरिया ही बना रहा है ना. कौन बना रहा है भाई? सरफेस एरिया ही बना रहा है. आपका एक स्फीयर था, एग्जांपल तो कुछ मैं दे नहीं सकता इस टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको. आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर में इस तरीके से नहीं बना सकते जैसे ऐसा बना हुआ था. लेकिन अगर मैं बात करूं इसका स्फीयर, तो स्फीयर में आप सरफेस एरिया निकाल दो और बना दो भाई. मलाई वड़ा तो खाए होगे आप लोग, आइसक्रीम देखे होगे ना, तो आइसक्रीम में जो बनता है कुछ इसी तरीके से ही बनता है स्फीयर. कि ऐसा जैसे बन रहा है स्फीयर में, बिल्कुल वैसा ही बनता है यार. यानी कि कोण बनता है भाई, और इसी कोण को कहा जाता है क्या? सॉलिड एंगल. क्योंकि आपका जो थ्री डायमेंशनल फिगर होता है वो सॉलिड था, सॉलिड था. स्फीयर कैसा है? सॉलिड है. तरबूज ले लो, तरबूज के भी अंदर क्या करके कट करके बना दो आप, निकालोगे बहुत खाने वाला सामान, निकालोगे काट करके ना, तो भी क्या है? क्या है बताओ? ठीक है, समझ में आ रहा ना? वो भी क्या होता है? सॉलिड एंगल ही होता है. तो आपको पता चल गया होगा सर, जो सॉलिड एंगल होता है वो एक्चुअली में थ्री डायमेंशनल फिगर के सेंटर पे बनाया जाता है. और कैसा होता है? कौन जैसा. और कौन बनाता है? ये सरफेस एरिया, या इसी को बोल दीजिए एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया. तो अगर सरफेस एरिया कुछ सेंटर पे बना दिया या कहीं पर भी बना दिया, वही हमारा क्या होता है फिगर? सॉलिड एंगल होता है, ठीक है? तो यहां पे मैं राइट कर सकता हूं डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया, द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया
इन सेंटर, इन सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. अब इसे इसका सिंबल होता है स्टूडेंट थीटा. इसका सिंबल क्या होता है? थीटा. वैसे इसका सिंबल होता है ओमेगा. जैसे इसका सिंबल क्या होता है? थीटा होता है. सेम वैसे इसका क्या होता है? ओमेगा होता है. बस समझ में आया ना? बस यही फर्क है बच्चों. फिजिक्स के अंदर आपको पता ही होगा कि अगर कोई चीज छोटा सा एंगल होता है, थोड़ा सा होगा, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? डी लगा देते हैं. उसके आगे क्या लगाते हैं भैया? डी लगा देते हैं ना. तो यहां पे छोटा सा एंगल होगा तो डी थीटा, यहां पे छोटा सा सॉलिड एंगल होगा तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा. तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस. आर कपान रेडियस. तो वैसे इसके भी अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा. वो फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. इसको इरेज कर देना है आप लोग, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं. ओके ठीक है, जानिएगा मत, बने रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए अच्छे से. ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखिए और मजा आएगा अभी. कॉन्सेप्ट को सीखिए. तो इसका मैं सिंबल बनाया. हमने कहा सिंबल अगर थोड़ा सा एंगल है, देखो अब डीए है, एंगल क्या हो गया? स्मॉल हो गया. सॉरी स्मॉल सरफेस एरिया. तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या करेगा? स्मॉल सॉलिड एंगल बनाएगा. स्मॉल सॉलिड एंगल. डी मीन्स क्या होता है भैया? फिजिक्स में डी का मतलब होता है कि आगे डीएल लग गया है. मैं यल बोला, यल मतलब कंप्लीट लेंथ. लेकिन अगर डीएल बोल दे, डीएल का मतलब क्या हो गया? स्मॉल लेंथ. डीएल का मतलब क्या हो गया? स्मॉल लेंथ. डी मीन्स स्मॉल एरिया. डी ओमेगा मीन्स स्मॉल सॉलिड एंगल. तो इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. डी ओमेगा कल टू क्या हो गया? डी ए अपॉन आर स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रहा है? डी ओमेगा कल टू क्या हो गया? डी ए अपॉन आर स्क्वायर. नो यूनिट होता नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? स्टे रेडियन सपोज करते हैं. क्या सपोज करते हैं? स्टे रेडियन सपोज करते हैं. और नो डायमेंशनल फार्मूला. और ये होती क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी. कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है. कैसे क्वांटिटी होती है स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी. अच्छा ये बात तो समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गया. अब मैं ये बोलूंगा, देखो मान लीजिए आपके पास ऐसे था स्फीयर. अच्छा तो छोटा सा एंगल बना रहा, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा एंगल बना, एरिया भी कैसा था? थोड़ा सा ही था. देखिए कि मैं पूरे की बात करूं बच्चों, ध्यान समझी गई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट. बोलिएगा मत, अगर आप थोड़ा सा कहीं पर राइट है, मतलब डी ओमेगा है, और अगर इसके पूरे की बात की जाएगी फॉर फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया. तो अगर मैं सोचता हूं पूरा मुझे एंगल मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा? इसके आगे लगाना पड़ता है क्लोज डी ओमेगा. इसको बोलते हैं क्लोज है इंटीग्रल. तो अगर क्लोज इंटीग्रल लग गया तो क्लोज इंटीग्रल लगने से क्या होगा? जो छोटा सा था वो क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा. जैसे मैं समझा रहा हूं, ये देखो डीए है, अगर इसको ऐसे कर दे इसका मतलब क्या हो गया? टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? एक इक्वल. किसके इक्वल? एक इक्वल. यहां पर डीई है, थोड़ा सा था ना, क्लोज कर दो तो क्या हो जाएगा? ई. यहां पे डीएल था, क्लोज कर दो क्या हो जाएगा? एल. यानी कि क्लोज इंटीग्रल करने से, क्लोज इंटीग्रल करने से क्या हो जाएगा? आपको पूरा का
पूरा मिल जाता है। क्या मिल जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा मिल जाता है। तो अब बताओ यहाँ पे पूरा एरिया चाहिए आपको, पूरा, रेडियस तो पूरा है ही, रेडियस से कम ज्यादा कहाँ होता है, रेडियस तो सेम है ना, तो एरिया आपको चाहिए ना, क्या चाहिए आपको? एरिया पूरा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा एरिया क्या हो जाता है? 4πr² ये भैया हम अपने मन से नहीं बोल रहे, स्पीयर का एरिया होता है यार, स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है? 4πr², आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, याद कर लो, स्पीयर का एरिया कितना होता है? 4πr² / r², दिस कैन से। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 4π रेडियन, 4π रेडियन। यानी कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर आपके पास स्फीयर है, इसका मैं फील दे रहा हूं, परेशान ना होइए, आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया, उस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? कितना? 4π। 4π का मतलब कितना? 720, ये ना हुआ 4π। और फील देते हैं, और फील देते हैं किस तरीके से होगा, चलो देर इज नो बाल, सो व्हाट डिड आई डू, कुछ तो दिख नहीं रहा है भाई, चलिए समझते हैं। ये देखो सपोज करो ये स्फीयर है मेरे, ये हैंड स्फीयर है, हैंड क्या हो गया? स्फीयर हो गया, ठीक है। जब ये हैंड स्फीयर हो गया तो आपको पता है इसके अंदर सेंटर होगा, इसके अंदर क्या है? सेंटर। तो एक तरफ पूरा कितना एंगल बनाया जाता है? एक तरफ। तो बोलोगे सर इधर का जो सरफेस एरिया इसके सेंटर पे इधर कितना बना रहा होगा? 360 बना रहा होगा, 2π बना रहा है, और इधर है, इधर भी कितना बना रहा होगा? 2π। तो 2π कितना हो गया? 4π हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया बात? देखो ऐसा है ना, बना कि नहीं बना? इसको इसको खास ही समझ, खास से आसानी समझ में आएगा, खास से समझ में आएगा। देखो ये स्फीयर है, इसके अंदर सेंटर है। अब बताओ ये पूरा एक साइड का ये कितना एंगल बना रहा होगा? इधर ऐसे पूरा बना रहा होगा 360, नीचे वाला भी कितना बना रहा होगा? 360। तो 360 + 360 कितना हो गया? 720 हुआ, यानी कितना? 4π रेडियन। ओके क्लियर? सो नोट डाउन, अब इसके आगे की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना जितना आप सोच नहीं सकते। ऊपर ठीक है, अच्छा मान लो इस सेंटर रहा होगा, यहां से कोई एरिया थोड़ा इस तरीके से है डीए, यहां पे जो एंगल बनाया जाता है, सॉलिड एंगल कितना है? तो अगर ये इस तरीके से है तो इसका यहां पर नहीं ले जाता है, इसका ही दो प्रोजेक्शन होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन मार्जिन के बीच कितना एंगल बना रहा है? 3 एंगल। यहां का जो एंगल बन रहा है कितना है? तो इसका दो प्रोजेक्शन होगा डीए का, एक प्रोजेक्शन इस पे आएगा, एक प्रोजेक्शन इस पे। तो ये क्या हो जाएगा? डीए साइन थीटा। ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा। तो अच्छा इस पे एंगल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल दिख रहा होगा आपको? क्या दिख रहा है? कहेंगे सर डीए कॉस थीटा, ठीक है। देखो ऐसे था, ये रिस्पॉन्सिबिल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिल कौन है? ये वाला कौन रिस्पॉन्सिबिल है? इस तरीके से देख रहे होंगे ना, यही रिस्पॉन्सिबिल हो रहा है। तो यहां पर मैं राइट करना चाहता हूं कि इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
if the horizontal component of DA is DA cos theta, यानी कि अगर आपका horizontal component कितना होता है DA cos theta होता है, then भैया बाबू मुन्ना d मेगा कर क्या हो जाएगा, DA नहीं DA cos theta, क्योंकि अब यहां पे DA नहीं है, DA अपॉन r स्क्वायर था, यहां से डिस्टेंस कितना ये r स्क्वायर है, लेकिन अब यहां पे कितना हो जाएगा DA cos theta अपॉन r स्क्वायर, यानी कि अब DA रिस्पांसिबल नहीं है DA cos, यही चीज समझना था आपको, DA रिस्पांसिबल क्या होना आपकी बात, देखो एंगल कौन बना रहा भैया यहां पे मुन्ना, देखो डी मेगा, ये क्या था DA cos थीटा, तो डी मेगा कर्ड क्या हो गया DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहां पे अगली बात क्या समझना है क्लोज इंटीग्रल डी मेगा कर्ड हुआ, यहीं पे बातों को करते हैं अपने खत्म, और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बच्चों, लेक्चर में बहुत बड़ा लंबा नहीं करता हूं, उसके पीछे का रीजन ये है, नाउ यू आर माई फैमिली, मैं सोचता हूं कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये कि अभी मैं वीडियो लॉन्ग नहीं बना रहा हूं, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, बट आफ्टर सम टाइम क्या करूँ, थोड़े थोड़े धीरे टाइम एक मिनट दो दो मिनट जब बढ़ाता जाऊंगा आपको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, एट लास्ट में आप पूरा वीडियो को लास्ट देखेंगे, सो प्लीज क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है नोट कर लीजिए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, ओके सो थैंक यू।